तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिहाई मिली है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह भी है कि इमरान खान को कल एक बार फिर पेशी के लिए पहुंचना है, इस बार हाई कोर्ट के सामने। मामले कई सारे उनके सामने हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे कल सुबह एक बार फिर सुनवाई के लिए इमरान खान को पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आज रिहाई दी जा रही थी तो उसके साथ ही कहा गया था कि अदालत परिसर से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, तो इमरान खान इस बात को लेकर मुमकिन है आश्वस्त रह सकें कि ऐसा कल कुछ नहीं होगा। लेकिन मामले में क्या हो सकता है, इसके लिए हम आपको सीधा अपने संवाददाता हमजा आमिर के पास लिए चलते हैं। हमजा, 150 से ज्यादा केसेस हैं इमरान खान के नाम पर, क्या हम यह समझें कि एक मामले की रिहाई उनके लिए परमानेंट सुकून लेकर आई है या किसी भी मामले में फिर गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि रिहाई हुई क्यों है। रिहाई सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि इमरान खान का जो अरेस्ट था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, उसकी प्रेमिसेस के अंदर किया गया था। इसके लिए ये नहीं किया जा सकता, इसी वजह से उनको रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट को जो है वो इलीगल करार दिया है, इसी वजह से वो अरेस्ट भी इलीगल करार दिया गया है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इमरान खान की परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि इमरान खान अभी भी पुलिस कस्टडी के अंडर ही हैं। अभी भी वो उनका जो जुडिशियल रिमांड, फिजिकल रिमांड जो 8 दिन का अप्रूव हुआ, उसके अगले दिन की पेशी पे वो अभी भी चल रहा है, जो कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नैब अदालत के अंदर सुना गया था। और कल जो वो हाईकोर्ट में पेश होना है उसके ऊपर भी जाके उनका बेसिकली जो है उनके ऊपर वहां पे तोशाखाना के और करप्शन केसेस हैं जिसमें वो अपनी बेल लेने के लिए जा रहे हैं। तो बात यह है कि इमरान खान को ये रिलीफ मिला तो है, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, उन पे कोई केस खत्म नहीं किया गया है, ये परमानेंट नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो केस में इनको अरेस्ट किया गया, जिस तरीकाकार से किया गया वो गलत था। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर होते वो और वहां से अरेस्ट हो जाते तो शायद ये केस बन ही ना पाता, क्योंकि वो अरेस्ट फिर लीगल होता। ये सिर्फ इस प्रोसीजर को चैलेंज किया गया है। इमरान खान की परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ गई हैं। 48 घंटे में जिस तरीके के वाकयात हुए हैं उनके अंदर भी, खासतौर पे कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला और वहां पे लूटमार को लेके भी उनको नॉमिनेट किया हुआ है केस में। काफी सीरियसली इसे लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमजा इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में कल क्या होगा, इसका एक ट्रेलर आज दिखा, वो आपको हम बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं।